अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं परभनी ज़िले की सबसे बड़ी और ख़ास खबर के लिए। दिवाली धमाका बम्पर ऑफर जिस तरह से चल रहा है, दिवाली के सीज़न में अब हर दुकान पे रश होता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं पर मिठाइयों की दुकानें सज रही हैं तो कहीं पर कपड़ों की दुकानें सज रही हैं। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया है कि कपड़ों की दुनिया में हया अबाया हिजाब माल स्टेशन रोड परभनी इस दुकान में 5 नवंबर 2023, 6 नवंबर 2023 और 7 नवंबर 2023 तीन दिन तक बम्पर ऑफर रखा गया था, दिवाली धमाका ऑफर रखा गया था। लेकिन परभनी आस्था की जानिब से हम ये आवाहन करेंगे, ये गुजारिश करेंगे दुकान के मालिक को अनीस भाई इन्हें, कि इस दुकान में जिस तरह से रश होता हुआ नज़र आ रहा है दिवाली के ऑफ़र को लेकर, अनीस भाई इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पर कुछ दिन के लिए और भी ये बम्पर ऑफ़र डिस्काउंट ऑफ़र को बढ़ा देना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग आते थे, लेकिन अब हज़ारों की तादाद में भीड़ उमड़ रही है परभनी शहर के हया अबाया हिजाब माल। यहाँ पर जिस तरह से लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आज 7 नवंबर 2023 ये आखिरी दिन था इस बम्पर ऑफ़र का, डिस्काउंट ऑफ़र का आखिरी दिन था, इसके बावजूद यहाँ पर लोग कंटिन्यूसली आते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसको लेकर अनीस भाई इस दुकान के मालिक खुद परेशान हो गए हैं। इन्हें हम गुजारिश करते हैं परभनी आस्था की जानिब से कि इस डिस्काउंट ऑफ़र को ज़्यादा दिनों के लिए बढ़ाया जाए और आने वाले वक्त में जिस तरह से यहाँ पर लोग हिजाब के आदि बनते हुए नज़र आ रहे हैं, 2 हिजाब ख़रीदने पर 1 डिस्काउंट ऑफ़र दिया गया था, इस डिस्काउंट ऑफ़र को कुछ दिनों के लिए और भी बढ़ा देना चाहिए। ऐसी भी परभनी आस्था की जानिब हया अबाया हिजाब माल स्टेशन रोड परभनी इसके मालिक को ख़ास तौर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं परभनी आस्था की जानिब से कि इस डिस्काउंट ऑफ़र को बढ़ा देना चाहिए। आप ये नज़ारा देख लीजिएगा किस तरह से यहाँ पर डिस्काउंट ऑफ़र का फ़ायदा उठाते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, हमारी बहनें किस तरह से यहाँ पर, ख़वातीन हज़रात किस तरह से यहाँ पर इस डिस्काउंट ऑफ़र का फ़ायदा उठाती हुई नज़र आ रही है। इस डिस्काउंट ऑफ़र को अगर बढ़ा दिया जाए तो और भी लोग हिजाब के आदि बन जाएंगे, ज़्यादातर लोगों के पास आपके दुकान के हिजाब पहुँच जाएंगे, बुरखे पहुँच जाएंगे, अबाया पहुँच जाएंगे, ताकि लोग इसका पूरी तरह से फ़ायदा उठाए। और जिस तरह से आपने स्कीम चलाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने गिफ्ट भी देनी चाहिए, अबाया गिफ्ट देना चाहिए, हिजाब गिफ्ट देना चाहिए एक दूसरे को, बस वही तर्ज पर, उसी तर्ज पर अनीस भाई इन्होंने हया अबाया हिजाब माल स्टेशन रोड परभनी इनके मालिक से हम गुजारिश करते हैं, बार बार गुजारिश की जा रही है उनसे कि इस डिस्काउंट ऑफ़र को बढ़ाया जाए। जिस तरह से लोग यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हैं, तमाम आवाम की जानिब से हम गुजारिश करते हैं, हया अबाया हिजाब माल के मालिक से गुजारिश करते हैं कि इन्होंने इस डिस्काउंट ऑफ़र को कुछ दिन के लिए और भी बढ़ा देना चाहिए। अब अनीस भाई हमारी रिक्वेस्ट को कितने दिन के लिए सुनते हैं, ये तो आने वाले वक्त में हम आपको न्यूज़ डालकर बता ही देंगे कि हमारी रिक्वेस्ट को अनीस भाई कबूल करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन 7 नवंबर 2023 तक जो डिस्काउंट ऑफ़र रखा गया था, इस डिस्काउंट ऑफ़र को ज़्यादा दिनों के लिए बढ़ा देना चाहिए। परभनी शहर का हया अबाया हिजाब माल, परभनी शहर के इमेज मेंस वेयर, डिसेंट मेंस वेयर, वरद मेंस वेयर, राजधानी होटल के सामने स्टेशन रोड परभनी, यहाँ पर हया अबाया हिजाब माल जहाँ ये जिसकी ओपनिंग हुई है, ये स्टेशन रोड पर मौजूद है। और स्टेशन रोड पर आप तमाम लोगों ने आकर इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, इस डिस्काउंट ऑफ़र का फ़ायदा उठाना चाहिए। 7 नवंबर 2023 तक जो डिस्काउंट ऑफ़र रखा गया है, इस डिस्काउंट ऑफ़र को एक्सटेंशन देना चाहिए, इस डिस्काउंट ऑफ़र को बढ़ा देना चाहिए। इसी हमारी रिक्वेस्ट है परभनी आस्था की जानिब से अनीस भाई इनसे। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आस्था के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माज़ा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आस्था के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माज़ा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आस्था के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबीन सैयद इस्माइल, परभनी आस्था के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, 24/7 माज़ा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर, मैं हूं सैयद अखील, आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, जय हिंद।